हाय एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक माय चैनल। और आज रज्जो है, सो हैप्पी रज्जो। रज्जो और ये मेरा बेटा है, बस मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ तो ये आ जाता है मेरे पास। ये भी थोड़ा सर से हाय नो। हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, हाउ आर यू, हाउ आर यू, यू से नो, गो गो गो, योर ब्रेकफास्ट फिनिश, गो। सो कोरोना से पहले यहाँ हम ओमान में भी सेलिब्रेट करते थे रज्जो। यहाँ पर सारे ओडिया विंग्स जो हमें उड़ीसा के हैं तो वो सारे एक ऑर्गेनाइज करते थे, एक पार्टी करते थे। हम डे पार्टी के रहता था, सो सुबह का ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक रहता था। और साथ में सारों की मतलब बच्चों के लिए, लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए, सारे के लिए एंटरटेनमेंट मैंने कंपटीशन होता था, कुछ क्वेश्चन होता था, साथ में मिलके गेम होता था। ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता था सबके लिए। तो उस दिन हमें सब ट्रेडिशनल अपने साड़ी के गेटअप में जाना होता था, तो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि यहाँ बस डेली कोई साड़ी वेयरिंग करता नहीं है। सब यानी मतलब ड्रेस जो सूटेबल हो, जल्दी कंफर्टेबल हो, वो ही पहनते हैं। तो जब ये हमारे कुछ ओड़िया मतलब हमारे जो फंक्शन होते हैं ना, तो उसमें हम सब साड़ी पहनना पसंद करते हैं और उसमें अच्छे से श्रृंगार करते हैं, गेटअप करते हैं। सो आज मैं बहुत दिन बाद साड़ी तो नहीं पहनी हूँ, बट देखिए मैंने थोड़ा गेटअप मतलब नेल पेंट लगाया है, थोड़ा लिपस्टिक लगाया है और हेयर स्टाइल मेरे मैंने भी किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा इतना दिन बाद, मैंने एक्चुअली मैं डेली होती नहीं हूँ नॉर्मली भी, क्योंकि कोरोना में हम बाहर जाएंगे क्या मेकअप करना है, सब तो मास्क कवर कर लेता है तो कोई कुछ करता नहीं है ऑफकोर्स। बट बहुत अच्छा लग रहा है। आज सुबह का टाइम है, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और आज के दिन एक्चुअली नॉर्मली लेडीज लोगों को खाना बनाना नहीं होता है, सारा कुछ काम भी करना नहीं होता है, बट सिचुएशन ऐसा है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया और ये मैंने खुद ही बनाया है। और ये एक मेरा कुर्ती का मैंने ऐसे डंगरी बनाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो ये सब आप लोगों से शेयर करूँ। और ये देखिए, मैंने जो भी वेजिटेबल उसको कल के लिए बनाना था मैंने आज के लिए, तो मैंने सब पहले से ही रात में कट करके रख दिया था। यहाँ पर ब्रिंजल, रॉ बनाना, पम्पकिन, मशरूम, बचपन में मुझे आलता लगाने का इतना शौक था कि मेरी मम्मी अगर डेली लगाती है तो मैं भी हाथ पैर बढ़ा लेती थी। पर जैसे जैसे थोड़ा बड़ी हुई क्योंकि सारे कपड़े में लगने लगा और मैं कॉलेज जाती थी, स्कूल, तो उस समय थोड़ा बंद कर दी मैं। और अब शादी के बाद कुछ त्यौहार तीज होता है तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा डिजाइन मैंने कर्व करके बनाया है। अब मैं मेहंदी लगा रही हूँ, सॉरी सो चुका है। तो फिर मैं जब भी मेहंदी का कोन लाती हूँ वो बहुत बड़े साइज में होता है और मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो मैं एक छोटा कोन बनाती हूँ। तो ये देखिए होममेड कोन है, आप कोई भी प्लास्टिक ले सकते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक रहे तो वो काफ़ी टिका हुआ रहता है। और ये मैं कोन बना के ऐसे सेलो टेप के हेल्प से मैं इसे स्टिक कर ले रही हूँ। सो हमारा कोन रेडी है, अब मैं इसमें मेहंदी फिल कर ले रही हूँ।
दोस्तों, मैं यूट्यूब में बहुत बार मेहंदी देखी हूँ, कॉम के हेल्प से, फोक के हेल्प से बनाते हैं। तो आज मैंने ट्राई करना सोचा, बट मेरा मेहंदी बहुत दिन का हो गया था और फ्रिज में मैंने स्टोर करके रखा था, इसलिए वो बहुत ड्राई हो गया था। तो फिर भी मैंने यूज़ किया है, इसमें मैंने 3 टूल का यूज़ किया है। देखिए, यहाँ पर ईयरबड, फिर कॉम का और यहाँ फोक स्पून का यूज़ किया है और इस टाइप का लगा है। ड्राई हो गया था तो ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड नहीं हुआ। ये तो हो गई मेहंदी की बात। अब चलते हैं, मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़ा आलू दम। तो यहाँ दही बड़ा की रेसिपी मैंने बहुत बार दिखाया है, आपको अगर देखना है तो लिंक में जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर दही बड़ा मैं अच्छे से बना ली हूँ और अभी इसे तड़का देना बाकी है। तो बहुत अच्छे से देखिए फूल गया है, बहुत इंस्टेंट ही बना है। 1 घंटे में मैंने सारा कुछ बना लिया था इसे ग्राइंड करके, और इसे ज़्यादा फेंटने भी ज़रूरत नहीं था। और यहाँ पर मैंने तड़का लगा लिया है, मेरे पास करी लिप्स नहीं थी तो करी लिप्स थोड़ा मिसिंग है, बट आप जब भी करें तो करी लिप्स डालें, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब बारी आई प्लेटिंग की। तो देखिए प्लेटिंग मैंने किस तरह से किया है। सो आप ऑनियन खाते हो तो प्लीज़ इसमें डालिएगा ज़रूर, ऑनियन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। और आज मैं कट नहीं करूँगी इसलिए मैं ऑनियन नहीं डाली हूँ, और आप ज़रूर डालिएगा। देखिए हमारा आलू दम दही बड़ा रेडी है। सो पहली रोजों में मैंने दही बड़ा आलू दम बनाया है। अब मैं बनाऊंगी पोड़ो पीठा। पोड़ो पीठा के लिए हमें चावल और उड़द दाल का सेम क्वांटिटी रखना है, और इसमें मैं शुगर की भी सेम क्वांटिटी ही रहेगी। तो अभी इसे अच्छे से फेंट ले रहे हैं, आप इसमें गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका थिकनेस सेम हमारा केक के बैटर के जैसे ही रहेगा। और यहाँ देखिए मैंने इलायची को थोड़ा कूट लिया है इसमें डालने के लिए। और यहाँ पर जो पूजा का नारियल ही होता है, आप नारियल डाल सकते हैं और कुछ भी नट्स हो आप डाल सकते हैं इसमें। अब मैं एक प्रेशर ले रही हूँ, प्रेशर में इसमें थोड़ा ऑयल ले ली हूँ, रिफाइंड ऑयल। आपके पास घी हो तो घी डालिए, उसमें ज़्यादा अच्छा खुशबू आता है और फ्लेवर भी अच्छा देगा। अब कुकर का हम कैप लगाएंगे, इसमें सीटी नहीं लगेगा और इसे धीमी आँच में हम पकाना है इसे हाफ आवर। सो पोड़ो पीठा हमारा रेडी है, और मुझे घर की बहुत याद आ रही है। मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी बनाती थी, मैं कभी बनाने की जरूरत नौबत ही नहीं पड़ी थी। बट अभी सभी त्यौहार आ रहा है, फेस्टिवल आ रहा है, हम भी बहुत साल से यानी 2-2.5 साल से हम घर गए नहीं हैं और कुछ हमारा ट्रेडिशनल फूड नहीं खा पाए, तो मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। और रियली बहुत अच्छा बना है, देखिए बहुत सॉफ्ट बना है। सो फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक है, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल में, आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।